मिशन युवा स्वास्थ्य के तहत महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए पूरे महाराष्ट्र में कोरोना टीकाकरण मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी ये मुहिम जोरों शोरों से चलाई गई। प्रशासन की ओर से कॉलेज शुरू करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ये देखा गया कि अधिकतम छात्रों का टीकाकरण नहीं हुआ है, जिसके तहत उच्च व तंत्र विभाग के मंत्री उदय सामंत ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से चर्चा कर एक आकलन किया, जिसमें ये पाया गया कि कई छात्रों का टीकाकरण नहीं हुआ है, जिसके चलते छात्रों का जल्द से जल्द टीकाकरण हो, इस उद्देश्य से उन्होंने 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक महाविद्यालयीन कॉलेजों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। इसी तर्ज पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये टीकाकरण मुहिम चलाए जाने की जानकारी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज डायगवानी और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतिकुर रहमान खान ने दी। शासनाने महाविद्यालय शुरू करण्याचा आदेश काढला, परंतु असे निदर्शनास आले होते की बहुतांश विद्यार्थ्यांचे वैक्सीनेशन झालेले नाही आहे, कुणाचा एक डोस झालेला आहे, कुणाचा दोन डोस झालेले नाही आहे। त्याकरिता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने माननीय सामंत साहेबांनी पुढाकार घेऊन श्री टोपे साहेबांसोबत चर्चा करून स्वास्थ्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून एक आखणी केली की महाविद्यालयीन सगळं विद्यार्थ्यांचं वॅक्सिनेशन झालं पाहिजे आणि लवकरात लवकर महाविद्यालयामध्ये पुन्हा जुन्याप्रमाणे वर्दळ सुरू पाहिजे झाली पाहिजे म्हणून वॅक्सिनेशनचा ड्राईव्ह हाती घेतला। मैं डॉक्टर अतिकुर रहमान खान, झोनल मेडिकल ऑफिसर, मंगलवारी झोन। कोविड-19 मार्च 2020 से जो पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैला था, जिसके अंदर हमने इस पैंडेमिक को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के डायरेक्शन के अनुसार हमने बहुत सारे उपाय योजना किए, जिसके तहत हमने इस बीमारी को रोकने के लिए काफ़ी हद तक जो है मेहनत की और ये बीमारी को हमने रोका है। लेकिन इस बीमारी को पूरी तरीके से निजात पाने के लिए हमारे लिए एक कोविड वैक्सीन जो हमने ईजाद की है, वो वैक्सीन हमारे लिए जो है धनुष बाण का काम करेगा। कोरोना महामारी से पूरी तरह निजात पाने के लिए कोरोना टीका लगाना ये कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।